पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद शहर कोतवाली के मानपुर मोहल्ले में रात करीब 10 बजे पुलिस ने एक घर में दबिश दी। इस दौरान एक महिला की हालत बिगड़ गई। लोगों के जुटने पर पुलिसकर्मी वहां से निकल आए। थोड़ी देर बाद महिला को ठेले पर लिटाकर भीड़ कोतवाली पहुंच गई। आक्रोशित भीड़ ने थाने के बाहर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। बवाल बढ़ा तो शहर के कई थानों की पुलिस मौके पर बुला ली गई। पुलिस ने डंडे फटकार कर भीड़ को हटा दिया। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाल आरपी सिंह का कहना है कि स्मैक बेचे जाने की सूचना पर पुलिस टीम ने रविवार रात नदीम की तलाशी में मानपुर में दबिश दी थी। पुलिस पहुंचने से पहले ही नदीम भाग गया। इंस्पेक्टर ने बताया कि जानकारी मिली थी कि नदीम बाबू के घर में छिपा है। पुलिस ने यहां भी दबिश दी लेकिन नदीम यहां भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस वापस आ गई। कुछ देर के बाद बाबू की चाची कमर जहां को एक ठेले पर लिटाकर लोग कोतवाली पहुंच गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने बाबू के घर दबिश देने के दौरान कमर जहां से मारपीट की थी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। कोतवाली के बाहर लोगों ने जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा बढ़ने पर नागफनी मुगलपुरा और गल शहीद थाने की पुलिस भी मौके पर बुला ली गई। हंगामा कर रहे लोग आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने करीब आधा घंटा समझाने की कोशिश के बाद सख्ती के साथ भीड़ को थाने से हटा दिया।